लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। इसीलिए किसी को मोहब्बत या इज्जत इतनी ना दोगे वो तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। खुशी इंतखाब है ना के नतीजा। कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद खुश रहना ना चाहते। वक्त और एतबार एक ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाता है तो फिर वापस नहीं आता। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, मगर हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। इसी तरह रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोले। वहां मत जाओ जहां लोग तुम्हें मजबूरन बर्दाश्त करते हैं, बल्कि वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा शोक से इंतजार करते हैं। दुनिया में सबसे कमजोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सकता हो। वो हिजाब ही क्या जो ईद और शादियों पर उतर जाए। ख्वाहिशों की उम्र बहुत लंबी होती है, ये हमारे मर जाने के बाद भी नहीं मरती। कब्र में भी हम इसी ख्वाहिश में घिरे होंगे कि काश एक बार फिर खुदा हमें दुनिया में भेजते ताकि हम अपनी नेकियों में इजाफा और गुनाहों में कमी कर सकें। ज्यादातर हम गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना छोड़ चुके होते हैं। किसी से सच्ची मोहब्बत करके उसको छोड़ देना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, वो इंसान अंदर से मर जाता है। बेहद तकलीफ देती हैं वो तहरीरें जो लिखकर सिर्फ इसलिए मिटा दी जाती हैं कि सामने वाला उसे जज्बात नहीं फकत अल्फाज समझेगा। रवैयों और लहजों की तकलीफ हमेशा करीबी ताल्लुकदारों से मिलती है जिन पर आप अपनी मोहब्बत लुटाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सबसे बढ़कर के अपना कीमती वक्त देते हैं। किसी को दिया हुआ दुख अमानत होता है और उसे एक ना एक दिन देने वाले के पास लौट कर जाना पड़ता है। किसी के साथ इतना बुरा मत कीजिए कि वो आपके हम नामों और हम शक्लों को बर्दाश्त करने की सकत ना रख सके।